अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं सरगोधा जंक्शन से वेरी नेक्स्ट रेलवे स्टेशन चरनाली के बिल्कुल सामने, और रावलपिंडी डिवीज़न का ये आखिरी रेलवे स्टेशन है, और इससे वेरी नेक्स्ट स्टेशन है शाहीनाबाद जंक्शन। तो आपको आज लेके मैं निकल पड़ा हूँ शाहीनाबाद जंक्शन से। कवर करेंगे शाहीनाबाद जंक्शन जो कि सरगोधा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, और ये भाई साहब से मैंने ले लिया लिफ्ट। वालेकुम सलाम भाईजान, कितनी देर लगेगी शाहीनाबाद पहुंचने में? तकरीबन यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट आओ। 10-15 मिनट लगेंगे। तो ये भाई साहब से हमने लिया लिफ्ट, और सरगोधा रेलवे स्टेशन की वीडियो आपने देखी थी, तो आज मैंने टाइम निकाला है और जा रहे हैं हम शाहीनाबाद जंक्शन। इंशाल्लाह उसको कवर करते हैं और शाहीनाबाद जंक्शन आपको दिखाते हैं, और बाकी तफसील मैं आपको शाहीनाबाद पहुँच के देता हूँ। जी सामने आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की, और लोग टिकट लेने के लिए यहाँ पे लाइन बना के खड़े हुए हैं। अभी 18 डाउन आ रही है मिलत एक्सप्रेस, उसके लिए लोग टिकट बाय कर रहे हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर। ये वाली भी टिकट काउंटर्स हैं जो क्लोज हुई हैं विंडोज़। किराया नामा टाइम टेबल लिखा हुआ है। काफ़ी रश है जी स्टेशन पे। और ये सब लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं मिलत एक्सप्रेस के, इसमें छोटी और बड़ी हर किस्म की सवारी जो है वो मौजूद होगी। अंकल जी कौन सी ट्रेन आ रही है अभी? 18 डाउन। हाँ, फैसलाबाद जाने वाली मिलत एक्सप्रेस। तो ये आपने जो घंटियाँ बजाई हैं, क्या निशानी है इसकी कि डाउन ट्रेन आ रही है? पहले दो बजाते हैं, फिर टन टन करते, फिर दो बजाते हैं। अगर आपकी होती तो 3 घंटियां बजाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों इस वक्त हम टिकट काउंटर के अंदर मौजूद हैं और लोग टिकट बाय कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ से लोग फैसलाबाद खानेवाल का टिकट जो है ज़्यादा बाय करते हैं। तो ASM साहब जो है ख़ुद ही यहाँ पे टिकट भी जो है वो सेल करते हैं, और बाकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी यही इंजाम देते हैं। सरगोधा से जाते लाल मोसा
अभी दोपहर के 1:08 हुए हैं और सामने आपको पैसेंजर नज़र आ रहे हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। शाहीनाबाद जंक्शन शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन के ऊपर एक अहम जंक्शन है और इसके जंक्शन पॉइंट भी बताऊंगा और उसका तस्करा भी वहां जाके करेंगे। और 146 किलोमीटर माइलस्टोन है इसका, यानी कि ये शोरकोट जंक्शन से 146 किलोमीटर दूर है और सरगोधा है 166 किलोमीटर माइलस्टोन पे, तो यानी कि सरगोधा से ये 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और 1:15 यहाँ पे अराइवल होता है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का, तो होपफुली राइट टाइम आ रही है ट्रेन, तो सबसे पहले उसको कवर करते हैं और उसके बाद फिर आपको बाकी स्टेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों, शाहीनाबाद जो एक छोटा सा शहर है और इसकी जो यहाँ पे ख़ासियत है, एक तो जंक्शन है, उसके अलावा सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो कि क्रशिंग यहाँ से जो है वो होती है और जो स्टोन है वो निकाला जाता है जो मुख्तलिफ जगहों पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो काफ़ी मशहूर है ये जो इलाका है क्रशिंग के हवाले से। और अंदर बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं इन पहाड़ों के पीछे, और भी मज़ीद पहाड़ हैं। और ऑलरेडी कुछ अरसा पहले, गलबन 6 से 7 साल पहले, एक मैं डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर कर चुका हूँ फिल्म UNDP के लिए, और काफ़ी अंदर जो है एक लाइफ है इन पहाड़ों के अंदर और लोग रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, इस पहाड़ों को तोड़ते हैं, इनके अंदर घुसते हैं और फिर ये पत्थर निकालते हैं। दोस्तों, राइट टाइम अप्रोच कर रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, सुबह 9:15 रवाना हुई लाला मूसा जंक्शन से और कराची जा रही है, बरास्ता मलकवाल, सरगोधा जंक्शन, शाहीनाबाद जंक्शन और फिर यहाँ से ये जाएगी चनेट और फिर चक जुमरा से फैसलाबाद और फिर इस तरह आगे खानेवाल और रोड़ी से होती हुई कराची। PHA 28301 लीड कर रहा है। होपफुली 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे भी और फिर ट्रेन यहाँ से बाएं जाने पर टर्न कर जाएगी। ये काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन से उतरे हैं और सवार भी हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं इनमें शामिल। जी, सिग्नल डाउन हो चुका है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के लिए और किसी वक्त भी जो है वो हॉर्न होगा। और सामने से तकरीबन जो आगे वाले सिग्नल हैं उसके पास से जो है वो ट्रैक बाएं जाने घूम रहा है चनेट की तरफ और आगे फैसलाबाद, और एक ट्रैक बिल्कुल सीधा जा रहा है जो कि जा रहा है आगे झंग और फिर शोरकोट। तो जो सीधी वाली लाइन है वो लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन है और जो बाएँ जाने घूमेगी वो है सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन, और यहाँ से ये दोनों लाइंस मर्ज होके जा रही हैं सरगोधा जंक्शन तक। ये डिपार्चर हॉर्न हो गया,
दोस्तों मिलत एक्सप्रेस 18 डाउन निकल गई कराची की जानेब, और इस जंक्शन पे जो बकाया ट्रेन्स हैं गुजरने वाली उसमें हज़ारा एक्सप्रेस है शामिल, जो कि पकड़ेगी बिल्कुल सीधी वाली लाइन शोरकोट की तरफ, और ये घूम चुकी है बाएं जानेब यानी कि टूवर्ड्स चनेट चक झुमरा और फिर आगे फैसलाबाद। तो अभी आपको आगे चल के जंक्शन पॉइंट भी दिखाते हैं और वहाँ जाके फिर फर्दन दोनों लाइंस का एक दफ़ा फिर आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों दो ट्रेन आपको बता दी जो यहाँ से अप डाउन में गुजरती हैं, और तीसरी ट्रेन है मियांवाली एक्सप्रेस जो कि माड़ी इंडस मियांवाली कुंदियाँ से होती हुई लाहौर की जानब जाती है और शाहीनाबाद सरगोधा से गुजर के ये फिर जाती है सांगला हिल बाईपास और फिर सांगला हिल से ये आगे शेखुपुरा और फिर लाहौर। सामने आपको साउथ केबिन नज़र आ रहा है जो शाहीनाबाद जंक्शन का है और सितंबर 1967 का बना है। अभी हम नज़दीक आ चुके हैं जंक्शन पॉइंट्स के, और इसके अलावा और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ जो कि हिडन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाली लाइन जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से कनेक्टेड है, और अभी जो 18 डाउन गुजरी है वो इसी लाइन पे से होती हुई आगे से उल्टे हाथ जो है बाएं जानिब घूम गई है, और ये वाली लाइन जो है ये आ रही है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 से और बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है आगे। तो इस लाइन का बता दूं आपको कि ये शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन है, और ये वाली लाइन जो आ रही है जिस पर अभी मिलत एक्सप्रेस गई है वो है सांगला हिल कुंदियाँ ब्रांच लाइन, और यहाँ आके दोनों इस जंक्शन पे मर्ज हो रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको एक डायमंड क्रॉसिंग नज़र आ रही है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आने वाली लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 से आने वाली लाइन आपस में यहाँ से क्रॉस होते हुए गुजर रही हैं। तो डायमंड क्रॉसिंग जो है उसकी तारीफ मैं आपको बता दूँ कि बग़ैर स्विच के जो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजर जाएँ वो डायमंड क्रॉसिंग होती है। शेप डिपेंड करता है, शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और बिल्कुल नैरो एंगल भी होता है और इस तरह का जो है वो लंबाई वाला एंगल भी। तो इसमें स्विच कोई भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो शाहीनाबाद की जो डायमंड है उस वक्त आप देख रहे हैं। अभी चलते हैं आगे जंक्शन पॉइंट जहां से दोनों लाइंस बिल्कुल अलग हो गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ आपको दो जो हैं सिग्नल पोस्ट नज़र आ रही हैं, एक दाएं जानेब और एक बाएं जानेब, जिनके ऊपर तीन तीन सिग्नल जो हैं वो आवेज हैं, और ये बेसिकली होम सिग्नल्स हैं दोनों ब्रांच लाइंस के। सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं, ये है जी शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन 146 किलोमीटर माइलस्टोन नंबर है इसका, और ये ट्रेन इस पर जो आती है वो है हज़ारा एक्सप्रेस 11 अप और 12 डाउन दोनों, और वेरी नेक्स्ट स्टेशन इधर अगर जाएं तो जो मशहूर स्टेशन है वो सिल्लामाली का इस रेलवे लाइन पे, और आगे चले जाएं तो फिर आप इस पे झंग और शोरकोट जाके ये लाइन ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह इधर ये आगे जा रही है शाहीनाबाद जंक्शन जो कि तकरीबन यहाँ से 700 मीटर के करीब है, सामने नज़र आ रहा है आपको, और आगे फिर ये जाती है सरगोधा और मलगवाल से होती हुई फिर लाला मूसा। और ये जो दूसरी लाइन है जिसकी इधर वाली सिग्नल पोस्ट नज़र आ रही हैं होम सिग्नल्स, ये है जी सांगला हिल कुंदियाँ ब्रांच लाइन, ये आगे से बाएं जाने जो है वो घूम रही है, और इस रेलवे लाइन पे सफ़र करने वाली जो गाड़ी हैं 4 जिसमें अप डाउन मिला के मिलत एक्सप्रेस और मियांवाली एक्सप्रेस शामिल है, तो ये ट्रेन जो है इस पर सफ़र करती हैं। तो जंक्शन पॉइंट आपने देख लिया, दोनों लाइनें यहाँ से अलग अलग हो रही हैं। अभी चलते हैं वापस शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पे और वहाँ की इमारत दिखाते हैं और प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 देख रहे हैं शाहीनाबाद जंक्शन का, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 3,
मौसम बहुत अच्छा है आज और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मार्च के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी जो है वो प्लेजेंट है मौसम, और दरख्त भी मौजूद हैं उसकी वजह से मज़ीद जो है वो बेहतर है मौसम। यहाँ पे पीपल का एक दरख्त मौजूद प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीचों बीच, और ख़ास तौर पे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म शेड्स हैं जो साया करते हैं मुसाफरों के लिए वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा सामने 3 जो लाइंस हैं वो गुड्स की लाइन नज़र आ रही हैं, और लाजमन यहाँ से कभी या हो सकता है आजकल भी जो क्रश है वो यहाँ से लोड होती होगी फ्रेट ट्रेन्स के अंदर। अभी हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और फूलों की बहुत ही खूबसूरत बेल आपको नज़र आ रही है, और इसके बिल्कुल ही साथ जो है वो रेलवे स्टेशन की मस्जिद मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, बिल्डिंग कोई ख़ास बड़ी नहीं है, इलाके के हिसाब से देखा जाए तो मुनासिब है। बेंच मौजूद हैं, इसके अलावा टेबल भी है यहाँ पे। सामने एक स्टॉल जिसके ऊपर खाने पीने की अशिया मौजूद, पंखा लगा हुआ है, और ये स्टॉल है। भाई साहब क्या क्या बेच रहे हैं अभी? बिस्कुट, लेस, चाय, बोतल, जूस। मेन चीज़ तो है ही नहीं, पकौड़े आपके पास स्टेशन पे जो होते हैं? पकौड़े यहाँ कौन लेता है जी, पकौड़ों को तो अलहदा वो होता है। अच्छा, सर्कल ये चाय में पकौड़े नहीं आते, चाय सही है। आते हैं ले जी। तो आप माशाल्लाह इतने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, किस ट्रेन के मुसाफिर सबसे ज़्यादा होते हैं? हज़ारा के उतरने वाले या सवार होने वाले? सवार होने वाले भी, उतरने वाले बीच में ज़्यादा होते हैं। सही है, मुसाफिर ज़्यादा होता है, फुल होती है। और मियाँ वाली एक्सप्रेस का स्टॉप है यहाँ पे, उसमें कितने मुसाफिर होते हैं? कभी रश होता है, कभी कम होती है सवार। सही है। ज़्यादातर लोग यहाँ से शाहीनाबाद से किस शहर में ज़्यादा सफ़र करते हैं? कराची, हर पास जाते हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सरगोधा। चलें, 2 कप आप चाय बनाएं, हमें चाय पिलाएं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों ये आसिफ भाई थे जिनसे मैं लिफ्ट लेके आया था, और इन्होंने जो आगे जा रहे थे वो जाने का प्रोग्राम जो है फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है, और उसकी वजह यही है कि इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो जब मैंने इनको बताया कि मैं ट्रेन देखने जा रहा हूँ तो ये मेरे साथ यहाँ आके बैठ चुके हैं और कह रहे हैं ट्रेन आपके साथ देख के ही मैं आगे जाऊँगा। तो बहुत मेहरबानी जी, कैसी लगी ट्रेन आपको? अच्छी लगी, बहुत प्यारी। दोबारा भी आओगे देखने ट्रेन? जी इंशाल्लाह। सफ़र करते हैं आप ट्रेन में या नहीं? जी करते हैं। करते हैं, चलो फिर चाय पीते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग आप निकलें आगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये ले जी, 1903 का बना हुआ ये रेलवे स्टेशन, और माइलस्टोन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टेशन का ग्रेड जो है वो 1 है, और इसके अलावा हाइट अबव सी लेवल 522 लिखी हुई है। अब ये आइडिया कैसे होगा कि ये मीटर तो नहीं हो सकते, फुट ही होंगे ये। जबकि इस साइड पे पार्सल गोदाम है और वज़न करने वाली जो विंटेज मशीन है वो मौजूद है, टेस्टेड हुई भी है ये 14/2/2022 की, बहुत ही खूबसूरत और पुरानी तर्ज की बनी हुई इमारत। इसके अलावा ये ट्रॉलीज भी मौजूद हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए। सामने 32 गोदाम, सामने जामन का एक छोटा सा दरख्त लगा हुआ है, और साथ ही उसके अनार का भी एक दरख्त है, और क्यारी इसके अंदर फूल लगे हुए हैं जामनी और सफ़ेद रंग के। इसके अलावा गुलाब का एक पौधा भी मौजूद है। इस साइड पे आपको दिखाता हूँ और आगे क्या है, टॉयलेट्स बनी हुई हैं, और सामने जो है अप साइड है, यहाँ पे भी क्यारी बनी हुई है आज जिसमें दरख्त लगे हुए, और इससे आगे मज़ीद जो है प्लेटफॉर्म जो है वो ख़त्म हो रहा है।
तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो काफ़ी डिले है उसमें, जो कि 17 अप है और तकरीबन वो 5 बजे के करीब उसका एक्सपेक्टेड जो है अराइवल है। अभी तक वो फैसलाबाद भी नहीं पहुंची, तो मुझे जाना है वापस आज ही और शाहीनाबाद कवर करने के लिए मैं यहाँ पे आया और आप लोगों को दिखाया। नेक्स्ट स्टेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अप साइड पे सरगोधा की तरफ जाते हुए जो पहला रेलवे स्टेशन है वो है चरनाली, जहाँ से हमने ओपनिंग की इस वीडियो की रोड के साथ साथ। उसके अलावा अगर आप चले जाएं चक झुमरा बाईपास की तरफ या सांगला हिल की तरफ, सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन पे, तो जो पहला स्टेशन है वो है निश्चराबाद। जबकि अगर आप बिल्कुल सीधे चले जाएं शोरकोट वाली साइड, झांग वाली साइड पे, तो पहला रेलवे स्टेशन सिल्लावाली का आएगा। प्लेटफार्म नंबर 1 के बिल्कुल ही पीछे जो हैं वो रेलवे के क्वार्टर्स मौजूद हैं, जो कि अबैंडन लग रहे हैं और पुराने ज़माने के ये बने हुए क्वार्टर्स हैं। और इसी तरह कुछ जो क्वार्टर हैं या हो सकता है कुछ और एक बिल्डिंग बनी हुई है वो भी सामने मौजूद है, वो भी थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है बहुत ही मुनफरद किस्म की, हो सकता है डाक बंगला हो, या अक्सर जो हैं वो जो रिक्रिएशन जो एरियाज़ होते हैं वो भी बने हुए होते हैं स्टेशन के साथ। अमूमन डांस घर के नाम से भी कुछ बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो उस टाइप की ये बिल्डिंग लग रही है। थोड़ा और करीब चल के देखते हैं इसको। दोस्तों इस बिल्डिंग के करीब आ चुके हैं और बेसिकली ये IOW शाहीनाबाद की इमारत है, यहाँ के IOW जो स्टाफ है जो कि ट्रैक से रिलेटेड हैं वो लोग यहाँ पे अपना काम वगैरह करते हैं। दोस्तों कमर्शियल वर्किंग के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ के ऑफिशियल के मुताबिक, जो कि कैमरे के सामने नहीं आए किसी भी वजह से, उनके मुताबिक डेली यहाँ से 50,000 रुपये की जो है कमर्शियल वर्किंग है और मोस्टली लोग यहाँ से मुल्तान के लिए ट्रैवल करते हैं, मलकवाल, सरगोधा, इसके अलावा रावलपिंडी, इवन कराची के लिए भी। तो दोस्तों ये थी शाहीनाबाद जंक्शन की वीडियो और एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई और इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियोस मज़ीद बनाते रहेंगे और उम्मीद है आप लोग देखते रहेंगे और पसंद भी करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।